हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग और उसके स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखे थे, तो यह आप लोग का एसी मशीन यूनिट फर्स्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 5वां वीडियो है, जिसमें कि हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रोटेटिंग फ्लक्स स्पीड, जिसको कि हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, इसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इसमें स्लिप और स्लिप स्पीड के बारे में। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी। और सबसे लास्ट में हम इसमें देखेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर बॉडी टू स्टेटर फ्रेम, स्टेटर बॉडी टू रोटर फ्रेम, रोटर बॉडी टू स्टेटर फ्रेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपके एग्जाम के लिए भी। और साथ ही साथ आगे जब आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा कंपटीशन लेवल पर, तो वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो सबसे लास्ट का जो पार्ट है उसको तो आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे रोटेटिंग फ्लक्स स्पीड, जिसको कि हम सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। तो रोटेटिंग फ्लक्स स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड है क्या? तो सबसे पहले इसको जानने से पहले, पीछे हम वैसे बता चुके हैं, एक बार फिर हम आपको मेमोराइज करा देते हैं कि हमारे स्टेटर में हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, और हर एक फेज के कारण वहाँ पर कोई भी अगर कंडक्टर होता है, उसमें अगर हम करंट को प्लेस करते हैं या करंट को इंसर्ट करते हैं या करंट को डालते हैं, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो यहाँ पर तीन फेज डालते हैं, तो तीनों फेज के कारण यहाँ पर तीन फ्लक्स जनरेट होता है, और तीनों के रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वह रोटेट करने लगता है स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप होता है, दोनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप में, और वह जो रोटेट करता है जिस स्पीड से, उसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर देखिए लिखा गया है, द स्पीड एट विच द रिवॉल्विंग फ्लक्स रोटेट इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। वैसा स्पीड जिस पर कि रिवॉल्विंग फ्लक्स, मतलब घूमता हुआ फ्लक्स रोटेट करता है, तो उसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट हम ns से करते हैं, कैपिटल n और स्मॉल s से। उसके बाद है इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पोल एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड गिवन बाय। इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल और फ्रीक्वेंसी पर। और इसका वैल्यू जो होता है, पिछला वीडियो में भी हम बताए थे, ns इक्वल टू 120 f अपॉन p। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड का जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी और p4 पोल पर डिपेंड करता है। तो वही बात यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, fs इक्वल टू nsp अपॉन, यहाँ पर निकाला है f, यहाँ यह जो फॉर्मूला है वो इसी से आया है, 120 f अपॉन p जो है, ये किसका फॉर्मूला आया था, यह फॉर्मूला आया था ns का। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120 f इक्वल्स टू pns, और यहाँ से हम f का वैल्यू को निकाल सकते हैं, f इक्वल टू pns अपॉन में 120। तो यह यहाँ पर हमारा रिलेशन निकल गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्लिप और स्लिप स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्लिप होता क्या है। तो स्लिप जो होता है वो क्या है, तो यह बेसिकली यह डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड जो रोटर का होता है उसके बीच का डिफरेंस, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्लिप और स्लिप स्पीड दो टर्म है, तो सबसे पहले जो हम जानते हैं वो जानते हैं स्लिप स्पीड के बारे में। तो स्लिप स्पीड क्या है, तो स्लिप स्पीड जो होता है वह होता है ns माइनस में nr, मतलब रोटर का स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के स्पीड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्लिप स्पीड होता है। और स्लिप जो होता है वह होता है स्लिप स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड। तो ns माइनस में nr अपॉन में ns, यह जो होता है वो स्लिप होता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं एक और टर्म, परसेंटेज स्लिप। परसेंटेज स्लिप का मतलब होता है कि ns माइनस में nr, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जनरली परसेंटेज का मतलब होता है कि उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा परसेंटेज स्लिप निकल जाता है। और क्वेश्चन में जनरली आपको जो मिलता है वो परसेंटेज स्लिप ही मिलता है, इसलिए आपको उससे परसेंटेज स्लिप से उसको आपको फिर एक्चुअल स्लिप में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो यह देखिए स्लिप स्पीड जो होता है ns माइनस n होता है, और परसेंटेज स्लिप जो होता है ns माइनस n अपॉन में ns इंटू 100। यहाँ पर n या nr दोनों लिख सकते हैं, दोनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रोटर स्पीड जो होता है वो होता है, यहाँ पर रोटर स्पीड, ये तो हो गया स्लिप स्पीड, और रोटर स्पीड जो होता है वो होता है ns और 1 माइनस s होता है। यह देखिए कैसे आया, इसको भी आप देख सकते हैं कि स्लिप जो था वो क्या था, s इजकल टू हम क्या लिखते थे, ns माइनस में nr
और अपॉन में एन एस। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यस और एन एस का, तो यहाँ पर जो हम आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा यस एन एस इक्वल टू एन एस माइनस में एन आर। अब यह जो टर्म है यहाँ पर, अब देखिए यह जो टर्म है एन आर को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ निगेटिव में तो हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यह हो जाएगा एन एस एन एस माइनस में एस एन एस। अब देखिए यहाँ पर से फिर जब हम एन एस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा वन माइनस में एस। तो यही देखिए यहाँ पर भी आप डिराइव करके लाए हैं, एन एन इजकल टू एन एस इंटू में वन माइनस एस, यही आया ना यहाँ पर, यही इसका डेरिवेशन था। अब देखिए व्हेन द रोटर ऑफ द मोटर इज स्टेशनरी कंडीशन देन एन इजकल टू जीरो। जब रोटर जो होता है मोटर का वो स्टेशनरी कंडीशन में हो, मतलब क्या कि जो मोटर है वह बंद कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में है, तब उस केस में वहाँ पर जो स्लिप का वैल्यू होता है वो एस इजकल टू वन होता है। लेकिन जब रोटर जो है वो रन करता है सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब क्या कि एन आर जो है वो इक्वल टू है एन एस के, तब उस केस में स्लिप का वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि स्लिप क्या दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आप खुद देख लीजिए डिफरेंस क्या था, एन एस माइनस में एन आर अपॉन में एन एस। अब देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, एन एस और एन आर दोनों इक्वल हो गया, तो इक्वल माइनस इक्वल किसी को घटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में जीरो, और जीरो जीरो इसके मतलब एस का जो वैल्यू हो गया वो क्या आ गया, जीरो हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि इन एन इंडक्शन मोटर द चेंज इन स्लिप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज हार्डली 0.1% टू 3%। जो चेंज इन स्लिप होता है वो जनरली 0.1 से लेकर 3% तक होता है, सो दैट इट इज एसेंशियली ए कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर से, स्मॉल एफ और आर। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, या रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ आर से। एज वी नो डैट स्टेटर फ्रीक्वेंसी इज गिवेन बाई, स्टेटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी को जो हम निकालते हैं वो होता है एफ इजकल टू पी एन एस अपॉन 120, जो कि पीछे हम निकाले थे यह फॉर्मूला से, एन एस इजकल टू 120 एफ अपॉन पी, यह फार्मूला से हम यहाँ से एफ का वैल्यू निकाल लिए थे, तो यहाँ एफ का वैल्यू आया था पी एन एस अपॉन 120। अब देखिए नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी इन द रोटर बाइंडिंग इज वेरिएबल एंड डिपेंड ऑन डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। फ्रीक्वेंसी जो होता है, एक बात आप और देख लीजिए कि स्टेटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि हम जनरली इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, और यह अभी तो फिलहाल चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि स्टेटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि रोटर का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के डिफरेंस पर। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, द फ्रीक्वेंसी इन द रोटर बाइंडिंग इज वेरिएबल एंड डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड एंड द रोटर फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द स्लिप। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो होता है रोटर फ्रीक्वेंसी वो स्लिप पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है वो आप देख लीजिए, एफ आर इजकल टू पी इंटू एन एस माइनस एन आर अपॉन 120। यह यहाँ पर देखिए आप निकाले थे एफ का फॉर्मूला, निकाले थे एफ का फॉर्मूला जब आप निकाले थे तो क्या निकाले थे कि पी इंटू में एन एस, पी इंटू में एन एस अपॉन में 120, यही था। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे एफ आर लिखेंगे, तो पी और रोटर फ्रीक्वेंसी में जो स्पीड होगा वो क्या होगा, उसके दोनों के बीच का डिफरेंस, तो एन एस माइनस में एन आर, और जो बात वहाँ पर लिखा गया है बस वही लिख देते हैं, उसी में सिर्फ एन एस की जगह पर हम उसके डिफरेंस को लिखते हैं। तो यह हो गया रोटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अब देखिए इक्वेशन यहाँ पर देखिए इक्वेशन वन और टू से हम क्या देख रहे हैं कि एफ आर अपॉन में एफ, यहाँ पर देखिए एफ आर अपॉन में एफ, एफ आर अपॉन में एफ, यहाँ का एफ आर, तो इसका वैल्यू क्या होगा पी इंटू में एन एस माइनस में एन आर अपॉन में 120, और फिर यहाँ पर देखिए है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है पी एन एस
अपॉन में 120, 120 से 120 तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा पी इंटू में एन एस माइनस में एन आर अपॉन में पी एन एस। तो यहाँ से पी और पी आपस में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस। अब यह जो होता है वो क्या होता है, तो यह जो होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस, यह था क्या, स्लिप का वैल्यू था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ आर अपॉन में एफ मतलब रोटर फ्रिक्वेंसी अपॉन में स्टेटर फ्रिक्वेंसी, यह इक्वल होता है स्लिप के। तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि एफ आर इक्वल्स टू एस एफ। तो यही हमारा जो था स्लिप, रोटर स्लिप, जिसका कि वैल्यू था एफ आर इजकल टू एस एफ, यह आपका प्रूफ हो गया। एफ आर इजकल टू एस एफ जो आंसर है वो प्रूफ हो गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा कि स्टेटर बॉडी और स्टेटर फ्लक्स के बीच का जो रिलेटिव है मोशन है उसका रिलेटिव स्पीड क्या है, तो वो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेटर बॉडी को ले लिए हैं। स्टेटर बॉडी मतलब क्या, रुका हुआ बॉडी। तो रुका हुआ बॉडी में कोई स्पीड होगा, अगर मोटर रुका हुआ है तो उसका स्टेटर में कोई स्पीड होगा, तो नहीं, तो इसीलिए लिखे हैं 0 RPM। स्टेटर फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स जो हमारा था वो क्या था, एन एस स्पीड से रोटेट करा था। रोटर फ्लक्स भी एन एस स्पीड से रोटेट करता है जनरली, और रोटर बॉडी जो होता है वो एन से। रोटर बॉडी मतलब क्या, रोटर जो है वो रोटेट करता है एन स्पीड से, और रोटर फ्लक्स मतलब कि रोटर में जब हम जब करंट आता है इंडक्शन के थ्रू, तो वहाँ पर भी फ्लक्स जो जनरेट होता है वो अभी एन एस ही होता है, तो उसका जो स्पीड होता है वो एन एस ही होता है, और स्टेटर फ्लक्स का स्पीड जो होता है एन एस होता है, स्टेटर बॉडी का 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्पीड आ जाता है। तो सबसे पहला है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर बॉडी एंड स्टेटर फ्लक्स, मतलब क्या करा है कि स्टेटर बॉडी और स्टेटर फ्लक्स के बीच का रिलेटिव मोशन। तो स्टेटर बॉडी का कितना है 0, और स्टेटर फ्लक्स का कितना है एन एस, तो 0 माइनस एन एस क्या होगा, एन एस होगा। नेक्स्ट हमारा है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स मतलब क्या, एन एस, स्टेटर फ्लक्स का क्या है स्पीड एन एस है, और रोटर फ्लक्स का क्या है एन एस, तो एन एस माइनस एन एस इजकल टू 0। नेक्स्ट हमारा है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर स्पीड एंड स्टेटर बॉडी, रोटर स्पीड, तो रोटर स्पीड क्या है, या रोटर फ्लक्स हो गया, वही रोटर स्पीड या रोटर फ्लक्स, और स्टेटर बॉडी, स्टेटर बॉडी क्या है 0, तो एन एस माइनस 0 इजकल टू एन एस हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, मतलब स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, तो स्टेटर फ्लक्स का क्या है, स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर स्पीड, तो यहाँ पर जो है एन एस और माइनस में रोटर स्पीड नहीं, यहाँ पर रोटर फ्लक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर रोटर फ्लक्स, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर रोटर फ्लक्स है, यहाँ पर है रोटर स्पीड, तो एन एस माइनस में एन इजकल टू स्लिप, यही स्लिप होता है। तो यही था हमारा आज का सेशन, और यह जो टर्म है, यह जो यहाँ से यहाँ तक यह जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में अधिकतर बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो यह था आज का हमारा लेक्चर, हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।